ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 447, क्लेरिफाइड ऑन 31 मई 2006 एट बैंगलोर कर्नाटक। ओम शांति। ओम शांति। प्रातः क्लास से रहा था 6 मार्च 1967। द मॉर्निंग क्लास ऑफ द 6 मार्च 1967 वॉज बींग नरेटेड। पहले पेज के मध्य अंत में बात चल रही थी शिव भगवान वाच की सच्ची गीता को पढ़ करके सदगति पाते हैं। द टॉपिक बींग डिस्कस्ड इन द एंड ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द फर्स्ट पेज वॉज वी अटेन सदगति आफ्टर रीडिंग द ट्रू गीता नरेटेड बाय गॉड शिव। और कृष्ण भगवान की झूठी गीता को पढ़ करके दुर्गति पाते हैं। प्रैक्टिकल बातें हैं क्या? एंड वी अंडरगो डिग्रेडेशन दैट इज दुर्गति आफ्टर रीडिंग द फॉल्स गीता ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आर देयर द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स? नहीं समझ में आया। डिड यू अंडरस्टैंड? अभी वर्तमान में जो भी चल रहा है वो प्रैक्टिकल बातें हैं या इम्प्रैक्टिकल बातें हैं? कैसे? नाउ वॉट एवर इज हैपनिंग एट प्रेजेंट आर दे प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स? स्टूडेंट प्रैक्टिकल। हाउ? आप साकार में आइए मतलब नहीं है। स्टूडेंट द फादर हैज कम इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म। इट डजंट मीन दैट द फादर हैज कम इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म। यहाँ तो गीता के भगवान की बात हो रही है। इन फैक्ट द कंसेप्ट ऑफ गॉड ऑफ द गीता इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। गीता के भगवान जो सच्चा भगवान है शिव भगवान उसकी सुनाई हुई गीता सुनने से सदगति को पाते हैं। गॉड ऑफ द गीता द वन हु इज ट्रू गॉड गॉड शिव वी अटेन सदगति बाय लिसनिंग टू द गीता नरेटेड बाय हिम। बुद्धि की भी सदगति होती है और शरीर की भी सदगति होती है। आर इंटेलेक्ट एज वेल एज आर बॉडी अटेन सदगति। और जो झूठी गीता है जिसका झूठा भगवान बनाए रखा है कृष्ण भगवान उर्फ दादा लेखराज ब्रह्म वो गीता पढ़ने से बुद्धि भी दुर्गति को पाती है और शरीर भी दुर्गति को पाता है। एंड दे हैव मेड लॉर्ड कृष्णा एलियस दादा लेखराज ब्रह्मा एज द फॉल्स गॉड ऑफ द फॉल्स गीता। आफ्टर रीडिंग दैट गीता आर इंटेलेक्ट एज वेल एज आर बॉडी अंडरगोज डिग्रेडेशन। दुर्गति पाना माना? व्हाट डज अंडरगो डिग्रेडेशन मीन? शरीर छोड़ना पड़े कंचन काया नहीं बन सकती। इट मीन्स You will have to leave the body. Your body can't be rejuvenated. बाबा ने ये भी कहा है कि हर एक चित्र पर जरूर लगा हुआ हो कि ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सदगुरु त्रिमूर्ति शिव भगवान हुआ। बाबा हैज ऑल्सो सेड दैट एवरी पिक्चर शुड सर्टनली इंक्लूड द ओशन ऑफ नॉलेज द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर द गिवर ऑफ द नॉलेज ऑफ द गीता द मोस्ट बिलवड द सुप्रीम फादर द सुप्रीम टीचर द सुप्रीम सदगुरु त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच मीनिंग गॉड शिव स्पीक्स। लंबा लंबा टाइटल। दे आर सच लॉन्ग टाइटल्स। क्या क्या? वॉट आर दे? हर एक चित्र पर क्या क्या टाइटल लगा हुआ हो? वॉट टाइटल्स शुड बी मेंशन्ड इन एवरी पिक्चर? ज्ञान सागर। क्या? द ओशन ऑफ नॉलेज। वॉट? ज्ञान सागर। ज्ञान सागर माना? द ओशन ऑफ नॉलेज। वॉट डज द ओशन ऑफ नॉलेज मीन? जानकारी का सागर। द ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ज्ञान माना? वॉट डज नॉलेज मीन?
जानकारी, काय की जानकारी अटम बम की, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इज इट द इन्फॉर्मेशन अबाउट एटम बॉम्ब्स? नहीं, वो तो बिना शिकारी बात है। नो, दैट इज सर्टनली समथिंग डिस्ट्रक्टिव। जो सदगति की जानकारी है, स्थापना की जानकारी है, वो जानकारी। इट इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ सदगति, द इन्फॉर्मेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। नई दुनिया की जानकारी, पुरानी दुनिया की भी जानकारी, माया की भी जानकारी और राम की भी जानकारी। इट इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड एज वेल एज द ओल्ड वर्ल्ड, द इन्फॉर्मेशन ऑफ माया एज वेल एज राम। ऐसा ज्ञान सागर और पतित पावन, ही इज सच ओशन ऑफ नॉलेज एंड ही इज द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर। कैसा? हाउ? पतितों को पावन बनाने वाला। ही प्यूरिफाइज द इम्प्योर वंस। वो त्रिमूर्ति शिव भगवान हुआ जी। एक मूर्ति शिव भगवान हुआ जी नहीं। गॉड शिव स्पीक्स थ्रू दोज थ्री पर्सनैलिटीज, ही डजंट स्पीक थ्रू वन पर्सनैलिटी। त्रिमूर्ति शिव भगवान हुआ जी। ही स्पीक्स थ्रू द थ्री पर्सनैलिटीज। तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? व्हाट डू द सो कॉल्ड ब्राह्मिन्स थिंक? एक मूर्ति शिव भगवान वाच होता है। स्टूडेंट, वन पर्सनैलिटी, गॉड शिव स्पीक्स ओनली थ्रू वन पर्सनैलिटी। और यहाँ बाप क्या बताते हैं? एंड व्हाट डज द फादर टेल यू हियर? त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। गॉड शिव स्पीक्स थ्रू द थ्री पर्सनैलिटीज। ब्रह्मा मूर्ति भी उवाच, शंकर मूर्ति भी उवाच, और तीसरी मूर्ति गूंगी है क्या? द पर्सनैलिटी ऑफ ब्रह्मा एज वेल एज द पर्सनैलिटी ऑफ शंकर स्पीक, एंड इज द थर्ड पर्सनैलिटी डम्ब? नहीं। नो, वो भी उवाच, ही ऑल्सो स्पीक्स। तीन मूर्ति उवाच, ऑल द थ्री पर्सनैलिटी स्पीक। ऐसा पतित पावन, ही सच प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर। पतितों को पावन बनाने वाला, ही प्यूरिफाइज द इम्प्योर वंस। पतितों को पावन बनाने वाला, ही प्यूरिफाइज द इम्प्योर वंस। पहली मूर्ति पतित पावन नहीं है? Isn't the first personality the purifier of the impure? है? अरे तीनों मूर्तियाँ पतित पावन या एक मूर्ति पतित पावन या त्रिमूर्ति पतित पावन? अरे are all the three personalities the purifier of the impure? Or is one personality the purifier of the impure? Or are all the three personalities the purifier of the impure? एक मूर्ति पतित, कौन सी मूर्ति? Students, one personality, one personality is the purifier of the impure, which personality? Shankar to sadgati thoda hi karta hai. Student, Shankar, Shankar certainly doesn't bring about sadgati. Hai? Haan, usme sadgati karne wala Shiv Bap hai. Student, the father Shiv, yes, the father Shiv who brings about sadgati is present in him. तो वो शिव बाप, so that father Shiv, त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच क्यों कहा? Why was it said त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच? क्योंकि उसमें तीनों मूर्तियां विराजमान हैं। कैसे? It is because all the three personalities are present in him. How? ब्रह्मा की मूर्ति भी विराजमान, वो ब्रह्मा माँ हो गई, और बाप भी विराजमान। द पर्सनैलिटी ऑफ ब्रह्मा इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हिम, दैट ब्रह्मा इज द मदर एंड द फादर इज ऑल्सो प्रेजेंट। राम बाप भी हो गया, द फादर राम इज ऑल्सो प्रेजेंट।
माँ और बाप दोनों का कॉम्बिनेशन जो अर्धनारीश्वर बनता है वो क्या हुआ? द कॉम्बिनेशन ऑफ द मदर एंड द फादर फॉर्म्स अर्धनारीश्वर. हु इज ही? वो भी विष्णु मूर्ति हो गई. दैट इज ऑल्सो द पर्सनैलिटी ऑफ विष्णु. वो भी विराजमान है. He is also present in him. और ये तीनों ही मूर्तियां एक मूर्ति में विराजमान होने के कारण त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच ये लिखना चाहिए. And as all these three personalities are present in one, you should write त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच. वो ही मूर्ति पतित पावन है. That very personality is the purifier of the impure. माना अकेली ब्रह्मा की मूर्ति वो पतित पावन नहीं है. क्यों? What does it mean? The personality of Brahma alone isn't the purifier of the impure. Why? क्योंकि ब्रह्मा पावन नहीं है. ब्रह्मा क्या है? It is because Brahma isn't pure. What is he? ब्रह्मा माँ तो है लेकिन पावन है या नहीं है? ब्रह्मा इज सर्टनली द मदर बट इज ही प्योर और नॉट? पावन नहीं है. स्टूडेंट ही इज़न्ट प्योर. ब्रह्मा को पावन क्यों नहीं कह सकते? व्हाई कांट ही बी कॉल्ड प्योर? क्योंकि ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला है. इट इज बिकॉज Brahma has beard and mustache. इसलिए पतित पावन नहीं है. This is why he isn't the purifier of the impure. अच्छा ब्रह्मा जब जगदम्बा में प्रवेश करता है तो पतित है कि पावन है? अच्छा when he enters Jagdamba, is he impure or pure? पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? Will he be called impure or pure? है? कोई जवाब नहीं दे रहा. No one is answering. उसे कहेंगे जगदम्बा. He will be called Jagdamba. क्या कहेंगे? What will he be called? जगदम्बा. जगदम्बा. और जगदम्बा का पाठ किस युग में होता है? And in which age is Jagdamba's part played? Kaliyuga ant mein. In the end of the Iron Age. Wo sab jagat ki amma hai, to jagat ki ammaon ka Kaliyuga ant mein ya Sangam yug mein bhi patan hota hai ya utthan hota hai? When she is the mother of the entire world, do the mothers of the world fall or rise at the end of the Iron Age? Or even in the confluence age, student, they fall. तो सभी माताओं का पतन होता है जो सब अम्माओं की अम्मा होगी उसकी तो सबसे जास्ती दुर्गति होगी. When all the mothers fall, the one who is the mother of all the mothers, she will certainly degrade the most. गीता पूरी ही खंडित हो जाती है. The Gita is ruined completely. गीता को माता कहा जाता है ना? The Gita is called the mother, isn't it? तो गीता माता उसको भी सदैव सदा काल शिव बाप का पाठ बजाने वाला नहीं कह सकते. So even the mother Gita can't always be called the one who plays the part of the father Shiv. बल रुद्रमाला का मतलब क्या है? दो शी इज द बीड ऑफ द रुद्रमाला. रुद्रमाला का मतलब क्या है? तो रुद्र प्रवेश करता होगा या शिव प्रवेश करता है? व्हेन शी इज द बीड ऑफ द रुद्रमाला रुद्र माइट एंटर हर और डस शिव एंटर हर? मुरली बोला बच्चों में मम्मा बाबा आ सकते हैं लेकिन मेरा एक ही मुकर्रर है. इट हैज बीन सेड इन मुरली ममा एंड बाबा कैन एंटर द चिल्ड्रन
बट आई हैव जस्ट वन परमानेंट चैरियट। कोई कह नहीं सकता क्या ये मेरे में शिव बाबा? नो वन कैन से व्हाट शिव बाबा इज इन मी। तो ब्रह्मा को भी नहीं कह सकते? सो ब्रह्मा ऑल्सो कांट बी कॉल्ड दैट। क्या? व्हाट? पतित पतित पावन द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर। पतित पावन वो ही कहा जा सकता है जो स्वयं एवर प्योर हो। द वन हु हिमसेल्फ इज एवर प्योर अलोन कैन बी कॉल्ड द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर। एवर प्योर नहीं है तो दूसरों को पावन नहीं बना सकता। इफ ही इजंट एवर प्योर ही कांट प्यूरिफाई अदर्स। ब्रह्मा की बात छोड़ो। लीव असाइड ब्रह्मा। वो तो त्रिमूर्ति में नीचे के तबके में दिखाया गया है। ही सर्टनली शोन इन द लोएस्ट पोजिशन इन द त्रिमूर्ति। मृत्युलोक की ओर दिखाया गया है। ही शोन टुवर्ड्स मृत्युलोक। मृत्युलोक का अधिष्ठाता हो गया। ही इज द फाउंडर ऑफ मृत्युलोक। विष्णु की बात उठाए उसे मृत्युलोक का अधिष्ठाता तो नहीं कहेंगे? इफ यू टॉक अबाउट विष्णु ही सर्टनली वोंट बी कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मृत्युलोक। वो तो सुखधाम का अधिष्ठाता है। इन फैक्ट ही इज द फाउंडर ऑफ सुखधाम। सुखधाम की पालना करने वाले को विष्णु कहा जाता है। द वन हु सस्टेन सुखधाम इज कॉल्ड विष्णु। स्वर्ग की पालना करता है। ही सस्टेन्स हेवन। देवात्माओं की पालना करता है। ही सस्टेन्स द डेटी सोल्स। तो उसे पतित पावन कहें या न कहें? शुड ही बी कॉल्ड द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर और नॉट? क्यों? स्टूडेंट कमेंट्स व्हाई? क्योंकि विष्णु पावन है। स्टूडेंट ही कम्स इन द प्योर वर्ल्ड इट इज बिकॉज विष्णु इज प्योर। वो पतित है नहीं। ही इजंट इम्प्योर। और शिव जो पतित पावन है परम पिता वो किस में आता है? एंड शिव द सुप्रीम फादर हु इज द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर हु डज ही कम इन? पतित तन में आता है। ही कम्स इन अ सिंपल बॉडी। विष्णु को पतित तन नहीं कहेंगे बल वो देवताओं के बीच में अधिष्ठाता है मुखिया है। विष्णुज बॉडी वोंट बी कॉल्ड इम्प्योर दो ही इज द फाउंडर द हेड अमंग द डेटीज। तीसरी मूर्ति आती है शंकर। द थर्ड पर्सनैलिटी इज शंकर। शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शंकर्स नेम इज एडेड टू दैट ऑफ शिव। विष्णु का नाम नहीं जोड़ा जाता ब्रह्मा का नाम नहीं जोड़ा जाता क्यों? द नेम ऑफ नीदर विष्णु नॉर ब्रह्मा इज एडेड टू हिज नेम व्हाई? क्योंकि शंकर का जो पुरुषार्थ है वो बाप समान बनने का पुरुषार्थ है। इट इज बिकॉज शंकर्स पुरुषार्थ इज ऑफ बिकमिंग इक्वल टू द फादर। माना बाप एवर प्योर है। इट मीन्स व्हेन द फादर इज एवर प्योर तो वो एवर प्योर बाप शिव जब तक उस साकार तन में प्रवेश होकर के संसार के सामने प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष न हो बे तब तक उसको एवर प्योर नहीं कहा जा सकता। Until that ever pure father Shiv enters that corporeal body and is revealed in front of the world in practice, he can't be called ever pure. वैसे भी शास्त्रों में शंकर को अमोघ वीर्य कहा है। As such, Shankar is called अमोघ वीर्य in the scriptures. अमोघ वीर्य का मतलब क्या है? What does अमोघ वीर्य mean? औरों का वीर्य पतन होता है। अदर्स विगर ड्रेन्स। लेकिन शंकर शंकर के समान
जो भी पाठ बजाने वाली संपन्न आत्मा संपन्न स्टेज में संसार के सामने आती है, 11 रुद्रगण जिनकी यादगार में कितने लिंग बनाए, 12 ज्योतिर्लिंग बनाए। बट शंकर एंड ऑल द कंप्लीट सोल्स हु आर इक्वल टू हिम हु प्ले देयर पार्ट एंड कम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड इन देयर कंप्लीट स्टेज दे आर 11 रुद्रगण दैट इज द फॉलोवर्स ऑफ रुद्र। How many links have been made in their Yadgar? They have made 12 Jyotirlingam. Jyoti ke linga hai. They are the links of light. Shiva ki Yadgar hai. They are the Yadgar of Shiv. Un Jyotirlingam. Those Jyotirlingam. 11 atmaon ki jo sampannata ki stage hai. That is the complete stage of 11 souls. वो भी सेवा समान बनती है लेकिन थोड़े थोड़े समय के लिए। They also become equal to Shiv, but for a short period. लेकिन दीर्घ काल के लिए जो प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने मुकर्रर रूप से वो पतित पावन कहा जाता है। However, the one who is revealed in front of the world permanently for a long time, he is called the purifier of the impure. 11 रुद्रगण और उनका मुखिया जो रुद्र भगवान कहा जाता है। 11 रुद्रगण एंड देयर हेड ही इज कॉल्ड लॉर्ड रुद्र। वो रुद्र भगवान पतित पावन है। That Lord Rudra is the purifier of the impure. वो एक ही है जो 11 को भी पतित से पावन बनाता है। It is he alone who makes even the 11 Rudragan into pure from impure. तो जो पतित पावन उसका टाइटल है वो ही गीता ज्ञान का दाता है। So, the one whose title is purifier of the impure, he alone is the giver of the knowledge of the Gita. Gita se nayi duniya ki sthapana bhi hoti hai aur Gita se purani duniya ka vinash bhi hota hai. The new world is established as well as the old world is destroyed through the Gita. इसलिए बोला है गीता है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। दिस इज व्हाई इट वाज सेड द गीता इज द स्क्रिप्चर ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये दुनिया भी जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो देश देशांतर में फैमिली प्लानिंग करती रहती हैं लेकिन फैमिली प्लानिंग सफल नहीं होती। These worldly governments continue to make the family planning in various countries, but their family planning doesn't succeed. और ये दिन दूनी रात चौगुनी population बढ़ती रहती है। The population keeps increasing all the more by leaps and bounds. लेकिन बाप आकर के गीता के द्वारा ऐसी family planning कर देते हैं जो दुनिया की आबादी बहुत थोड़ी रह जाती है। However, the father comes and does such family planning through the Gita that the population of the world reduces a lot. और फिर हजारों वर्ष तक आबादी परसेंटेज में बहुत कम बढ़ती है। In addition, the population increases very slowly in percentage. For thousands of years. कम आबादी होगी तो सुख शांति ज्यादा होगी। The smaller the population is, the more happiness and peace there will be. Population बहुत बढ़ जाएगी तो दुख और अशांति बढ़ जाती है। When the population increases a lot, sorrow and restlessness also increase. तो ज्ञान का सागर भी है पतित पावन भी है और गीता ज्ञान दाता है। सो ही इज द ओशन ऑफ नॉलेज एज वेल एज द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर एंड
He is also the giver of the knowledge of the Gita. गीता जो भी दुनिया में शास्त्र है उन सब शास्त्रों में शिरोमणि गाई हुई है. The Gita is praised as the crown jewel of all the scriptures of the world. नाम क्या है? What is its name? श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र, भगवान की गाई हुई गीता. The scripture Srimad Bhagavad Gita. It is the Gita sung by God. भगवान ने उसका गायन किया है. God has sung it. और भी शास्त्र हैं. There are other scriptures as well. लेकिन वो उतना अच्छा शासन नहीं कर पाते. But they aren't able to rule as nicely as that. कुरान है, बाइबल है. There are the Quran, the Bible. बाइबल को मानने वाले दुनिया में सबसे जास्ती पॉपुलेशन है. द मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बिलीव्स इन द बाइबल. लेकिन वो इतना अच्छा शासन नहीं कर सकती. बट इट कैंट रूल एज नाइसली एज द गीता. फिर वो तो जड़ गीता है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज द नॉन लिविंग गीता. जड़ बाइबल है और जड़ कुरान है. द नॉन लिविंग बाइबल एंड द नॉन लिविंग कुरान. कोई चैतन्य भी हुई होंगी. देर वुड बी सम इन द लिविंग फॉर्म एज वेल. शासन करने वाला चैतन्य होगा या जड़ होगा? विल अ रूलर बी लिविंग और विल ही बी नॉन लिविंग? चैतन्य होगा. He will be living. तो संगम युग में ये सब शास्त्र चैतन्य रूप धारण करते हैं. So, in the confluence age, all these scriptures take on a living form. लेकिन गीता शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, शासन करने वाला विधान, जो सबसे श्रेष्ठ शासन करता है. However, The Gita is such scripture, such a principle of ruling, which rules in the most elevated way. ऐसा शासन करता है कि सब पापियों का विनाश हो जाता है. It rules in such a way that all the sinful ones are destroyed. और सब पुण्यात्माओं की स्थापना हो जाती है. And all the noble souls are delivered. क्या लिखा है गीता में? What is written in the Gita? विनाशाय च दुष्कृताम. विनाशाय च दुष्कृताम मीनिंग द विकेड वंस आर डिस्ट्रॉयड. जो धर्मी धर्मी है, धर्म का आचरण करने वाले हैं, धारणावान है, वो ही रह जाएंगे और जो अधर्मी है वो खलास हो जाएंगे. Those who are religious, those who follow dharma in their life, those who are virtuous, they themselves will survive. And those who are irreligious will be destroyed. ऐसी गीता का ज्ञान दाता है. He is the giver of the knowledge of such Gita. ऐसी गीता को रचने वाला है. He is the creator of such Gita. कौन? Who? वो रचयिता बाप. He is that creator, the father. तो चैतन्य होगा या जड़ होगा? So, will he be living or non-living? रचयिता भी चैतन्य और रचना भी चैतन्य. The creator as well as the creation is living. वो परम प्रिय है. He is the most beloved one. क्या? What? दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो आखिरी ये अपने दिल के अंदर धारणा पक्की करके जाते हैं इस दुनिया को छोड़ करके कि इस दुनिया में हमारा प्रिय ते प्रिय सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता. अल्टीमेटली ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड लीव दिस वर्ल्ड विद दिस फर्म बिलीफ इन देयर हार्ट दैट नो वन एक्सेप्ट द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल कैन बी द मोस्ट बिलवर्ड वन फॉर देम इन दिस वर्ल्ड.
वही एक हमारा प्यारा है। He alone is our beloved one. वो सबसे न्यारा है। He is the most unique. लेकिन उससे जास्ती हमको प्यार करने वाला दुनिया में कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं। But there is no one in the world who gives us truer love when compared to him. एक एक मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बात बैठ जाती है। This fact sits in the intellect of each and every person. परमप्रिय माने? What does परमप्रिय mean? सबसे ज्यादा प्यारा। He is the most beloved one. क्या 9 लाख आत्माओं के लिए परमप्रिय? Is he परमप्रिय for 9 lakh souls? क्या सतयुग की 2 करोड़ आत्माओं के लिए परमप्रिय? Is he परमप्रिय for 2 crore souls of the golden age? ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में आने वाली सिर्फ 10 करोड़ आत्माओं के लिए परमप्रिय होता है क्योंकि उनको स्वर्ग का वर्षा देता है। It isn't that he is परमप्रिय just for 10 crore souls who come in the golden and the silver age, for he gives them the inheritance of heaven. नहीं। No. जो भी मनुष्य मात्र हैं सब एक जन्म की सदगति उस बाप से प्राप्त करते हैं। All the human beings attain the sadgati of one birth from that father. एक जन्म की कम से कम सदगति हर एक को मिलती है। Everyone attains the sadgati for at least one birth. सदगति का वर्षा मिलता है। They receive the inheritance of sadgati. और बाकी जन्मों के लिए मुक्ति भी मिलती है। And they also attain mukti for rest of the births. तो वो परमप्रिय उसका टाइटल है। So, परमप्रिय is his title. एक एक मनुष्य आत्मांत में ये अनुभव करेगी तो उस बाप से ज्यादा परमप्रिय कोई हो ही नहीं सकता। Each and every human soul will experience it in the end that no one can be more परमप्रिय than that father at all. दुनिया में बाप का संबंध बहुत कल्याणकारी माना जाता है। The relationship of a father is believed to be very beneficial in the world. एक बाप का संबंध एक गुरु का वो तो भारत में सिर्फ होता है। One is the relationship of the father and another is the relationship of a guru. As such, it is only in Bharat. और एक टीचर का। And one is the relationship of a teacher. टीचर अपने आज्ञाकारी स्टूडेंट को अपने से भी आगे बढ़ाना चाहता है। A teacher wants his obedient student to make more progress than even him. लेकिन आज्ञाकारी स्टूडेंट हो तो। But only if the student is obedient. लेकिन बाप? But what about the father? बच्चा चाहे अवज्ञाकारी हो तो भी उसके प्रति सुभावना रहती है, कामना रहती है, उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो ये कल बच्चा सुधर जाए। Though the child is disobedient, he has good feelings, good wishes for him. He has this hope that if not today but tomorrow, this child will reform. तो टाइटल मिलता है परम पिता। So he receives the title, the supreme father. अनेक जन्म मनुष्यों के होते हैं। The human beings have many births. उन अनेक जन्मों में या 84 जन्मों में जो 84 बाप मिलते हैं वो इतना कल्याणकारी नहीं हो सकते जितना कल्याणकारी और जितना बड़ा वर्षा देने के लिए बाप आता है। The 84 fathers that they receive in those many births or in the 84 births can't be as beneficial as the father Shiv. And they can't give an inheritance equal to the great inheritance which the father comes to give. बड़े के वर्षा वर्षा दे करके जाते। He goes after giving the greatest inheritance. बाप का काम होता है बच्चों के लिए सुख शांति का जीवन निर्माण करना, सुख शांति का वर्षा दे करके जाना। It is the task of a father to create a life
full of happiness and peace for the children, to go after giving them the inheritance of happiness and peace. तो परम प्रिय परम पिता सुख शांति का परम वर्षा दे करके जाते हैं. So the one who is param priya, the supreme father, goes after giving the greatest inheritance of happiness and peace. वो परम शिक्षक भी है. He is the supreme teacher as well. क्या? What? उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता. No one can teach him. वो सब को पढ़ाई पढ़ा करके जाते हैं. He goes after teaching everyone. और उससे ज्यादा अच्छी कल्याणकारी पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं सकता. And no one can teach better and more beneficial knowledge than him. दुनिया में जो शिक्षक होते हैं एक साल के लिए शिक्षा देते हैं. The teachers in the world give teachings for 1 year. अच्छा जीवन भर के लिए शिक्षा देते हैं. All right, some give teachings for the entire life. एक जन्म से ज्यादा के लिए तो शिक्षा किसी के काम नहीं आती. However, no one's teachings come in use for more than one birth. लेकिन ये परम शिक्षक ऐसा है जिसकी शिक्षा जन्म जन्मांतर के लिए काम आती है. But this supreme teacher is such whose teachings come in use for many births. 21 जन्मों के लिए तो गारंटी है. There is certainly a guarantee for 21 births. कि वो शिक्षा लेने वाला दुखी नहीं हो सकता. That the one who studies that study can't become sorrowful. सुख की जिंदगी जिएगा. He will lead a happy life. लेकिन 21 जन्मों के आधार पर बाकी 63 जन्मों की भी गारंटी है कि अगर पक्का पुरुषार्थ करे तो और धर्मों के मुकाबले उसको 3/4 और दूसरे धर्मों को आधा आधा सुख दुख मिलता है. However, on the basis of 21 births, there is a guarantee for the rest of the 63 births as well that if he makes firm purusharth, he will receive 3/4 part of happiness when compared to those belonging to other religions. Those belonging to other religions receive happiness and sorrow equally. और उसको 3/4 मिलते हैं. And he receives 3/4 part of happiness. तो इससे ज्यादा बड़ा अच्छा शिक्षक और कौन हो सकता है? So, who can be a greater and better teacher than him? फिर बताया परम सदगुरु. Then it was said he is the supreme सदगुरु. गुरु तो दुनिया में बहुत होते हैं और हुए हैं. As such, there are and there have certainly been many gurus in the world. उन गुरुओं से सारी दुनिया दुर्गति को पाती चली आई. The entire world continued to undergo degradation through those gurus. चाहे वो किसी भी धर्म के गुरु हुए हों. No matter they have been the gurus of any religion. क्रिश्चियंस के गुरु हुए हों, पोप वगैरह. They might have been the gurus of the Christians, like Pope etc. मुसलमानों के गुरु हुए हों या हिंदुओं के गुरु हुए हों. They might have been the gurus of the Muslims or the Hindus. सब गुरुओं की हिस्ट्री देख ली जाए, दुनिया पतन को पाई है या उत्थान को गई है. If you see the history of all of them, has the world fallen or risen through them? सारी दुनिया में पतन ही पतन होता रहा. The entire world just kept suffering downfall. मनुष्य मात्र का पतन हुआ. Each and every person has degraded. लेकिन ये परम सदगुरु ऐसा है. But this supreme सदगुरु is such. कि एक ही जन्म में आकर के अनेक जन्मों की सदगति कर देता है. That he just comes in one birth and brings about sadgati for many births. वो गुरु सिर्फ टाइटल रखवाते हैं. Those gurus just take the title. क्या टाइटल रखवाते हैं? What title do they take?
श्री श्री 108 जगतगुरु का टाइटल रखवा लेते हैं। दे टेक द टाइटल श्री श्री 108 जगतगुरु। लेकिन सारे जगत का तो क्या अपना भी कल्याण नहीं कर पाते। हाउएवर लीव द टॉपिक ऑफ द एंटायर वर्ल्ड दे aren't एबल टू बेनिफिट इवन themselves। अपनी भी दुर्गति होती है और साथ साथ जो शिष्य बनते हैं उनकी भी दुर्गति होती है। दे themselves फॉल एंड अलोंग विद देम दोज हू बिकम देयर डिसाइपल्स दे ऑल्सो फॉल। तो वो सब गुरु हैं कहने मात्र के। सो ऑल ऑफ देम आर गुरुज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग। उनमें कोई भी सतगुरु नहीं है माने सच्चा गुरु कोई नहीं है। नो वन इज सदगुरु अमंग देम इट मीन्स नो वन इज द ट्रू गुरु। ये बाप ही आकर के सदगुरु भी बनते सच्चा गुरु। दिस फादर अलोन बिकम्स सतगुरु द ट्रू गुरु आफ्टर कमिंग। क्या नहीं तो दुनिया में गुरु कैसे होते हैं। वॉट अदरवाइज हाउ आर द गुरुज इन द वर्ल्ड। जैसा रामायण में लिखा है हरे शिष्य धन शोकन हरहि। क्या फॉर इंस्टेंस इट इज रिटन इन द रामायण हरे शिष्य धन शोक न हरे। वॉट शिष्य का धन तो हरण कर लेते हैं लेकिन उनका दुख दुख हरण नहीं कर पाते। इट मीन्स दे दैट इज गुरुज डू असर्प द वेल्थ ऑफ द डिसाइपल्स बट दे aren't एबल टू टेक अवे देयर सोरो। दुख जन्म जन्मांतर के लिए बढ़ता जाता है। देयर सोरो कंटिन्यूज टू इंक्रीज फॉर मेनी बर्थ्स। उस जन्म में भी दुखी हो जाते हैं। दे बिकम सोरोफुल इन द प्रेजेंट बर्थ एज वेल। और ये परम सदगुरु ऐसा है जो जन्म जन्मांतर के लिए शोक का हरण कर लेता है। एंड द सुप्रीम सदगुरु इज सच हु टेक्स अवे अवर सोरो फॉर मेनी बर्थ्स। ये सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है। इज दिस सदगुरु कॉर्पोरियल और इज ही इनकॉर्पोरियल। सदगुरु साकार होता है। स्टूडेंट्स कॉर्पोरियल द सदगुरु इज कॉर्पोरियल। सबका सदगुरु शिव भगवान। गॉड शिव इज द सदगुरु ऑफ एवरीवन। उसको कहते हैं सिख लोग अकाल मूर्त। सिक्स कॉल हिम अकाल मूर्त। उसको काल नहीं खा सकता। डेथ कैन डिवोर हिम। काल आत्मा को खाता है या साकार शरीर को खाता है। डज डेथ डिवोर द सोल और द कॉर्पोरियल बॉडी। स्टूडेंट द बॉडी साकार शरीर को ही काल खाता है। डेथ डिवोर्स द कॉर्पोरियल बॉडी इटसेल्फ। तो साकार शरीरधारी के लिए कहा जाता है अकाल मूर्त। सो दैट कॉर्पोरियल बॉडीली बीइंग इज कॉल्ड अकाल मूर्त। वो मूर्तमान है माने उसकी मूर्ति है वो साकार है फिर भी स्टेज में निराकारी है। ही इज मैनिफेस्ट मीनिंग ही हैज अ पर्सनैलिटी ही इज कॉर्पोरियल स्टिल ही स्टेज इज इनकॉर्पोरियल। और ऐसे निराकारी बाप जो साकार में मूर्ति बनकर के आता है चैतन्य मूर्ति वो सारे संसार की सदगति करके जाता है। एंड सच इनकॉर्पोरियल फादर हु कम्स टेकिंग ऑन अ लिविंग कॉर्पोरियल फॉर्म गोज आफ्टर ब्रिंगिंग अबाउट द सदगति ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ऐसे नहीं मनुष्यों की सदगति होती है कीट पशु पक्षी प्राणियों की सदगति नहीं होती। इट इजंट दैट जस्ट द ह्यूमन बींग्स अटेन सदगति एंड द क्रीचर्स लाइक इंसेक्ट्स एनिमल्स एंड बर्ड्स डोंट अटेन इट। होती है या नहीं होती। डू दे अटेन इट और नॉट। स्टूडेंट दे डू। मनुष्य की सदगति होती है तो मनुष्य के आधार पर दुनिया के जो भी जीव जंतु हैं वो सब मनुष्य के माइंड से बंधे हुए हैं। When the human beings attain sadgati,
on the basis of the human beings, all the living creatures of the world are connected with the mind of the human beings. मनुष्य ही एक मन बुद्धि वाला प्राणी है. The human beings alone are the living beings with the mind and intellect. वो अपने वाइब्रेशन से सारे दुनिया के प्राणियों के ऊपर असर डाल देता है. They influence all creatures of the entire world through their vibrations. इसलिए मनुष्य सुधरते हैं तो सारी दुनिया के प्राणी सुधर जाते हैं. This is why when the human beings reform, the creatures of the entire world reform. और जब मनुष्य बिगड़ते हैं तो सारी दुनिया के प्राणी बिगड़ जाते हैं. And when the human beings degrade, the creatures of the entire world degrade. मनुष्य के ऊपर सारी दुनिया के पशु पक्षी सब का आधार बना हुआ है. All the animals and birds of the entire world are based on the human beings. क्योंकि मनुष्य मन वाला प्राणी है. It is because human beings are the beings with the mind and intellect. मन के वाइब्रेशन बहुत बड़ी शक्ति है. The vibration of the mind is a very great power. और ये शक्ति देने वाला सिवाय परम सदगुरु के और कोई नहीं. In addition, no one except the Supreme Sadguru is the giver of this power. तो उसका नाम परम सदगुरु भी है. So, his name is Supreme Sadguru as well. जो त्रिमूर्ति शिव है वो परम सदगुरु भी है. The Trimurti Shiv is the Supreme Sadguru as well. ऐसा परम सदगुरु भगवान बनकर इस सृष्टि पर आता है. God comes in this world after becoming such Supreme Sadguru. भगवान माना? What does God, that is Bhagwan, mean? भाग्यशाली. Fortunate, भाग्यशाली. उससे जास्ती जिस तन में वो आता है उस तन के द्वारा जो कार्य करता है भाग्य बनाने का कार्य करता है उससे जास्ती भाग्यशाली रथ और कोई दुनिया में होता नहीं. The body in which he comes, the task that he performs through that body, the task of creating fortune, no chariot is more fortunate than him in the world. ऐसे भाग्यशाली रथ के द्वारा भगवान हुआ आज. God speaks through such fortunate chariot. ये हर एक चित्र पर ये टाइटल लिखना चाहिए. You should write this title on every picture. ये अक्षर तो जरूर लिखो. You should certainly write this word. जो कि मनुष्य समझ जावे कि त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का ज्ञान दाता है. So that people understand that the Trimurti Shiv, the Supreme Soul alone, is the giver of the knowledge of the Gita. Yeah? What? त्रिमूर्ति शिव परमात्मा. त्रिमूर्ति शिव, the Supreme Soul. त्रिमूर्ति शिव परमात्मा विष्णु भगवान. त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ब्रह्मा भगवान. ऐसे नहीं कहा जा सकता. It can't be said that Lord Vishnu is the Trimurti Shiv, the Supreme Soul, or Lord Brahma is the Trimurti Shiv, the Supreme Soul. क्या कहते हैं? What is said? त्रिमूर्ति शिव परमात्मा शिव के साथ सिर्फ शंकर का नाम जोड़ते. त्रिमूर्ति शिव द सुप्रीम सोल. द नेम ऑफ शंकर अलोन इज एडेड विद द नेम ऑफ शिव. और कोई देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता है. द नेम ऑफ एनी अदर डेटी इजंट एडेड. गीता का भगवान कृष्ण तो हो ही नहीं सकता. कृष्ण कांट बी गॉड ऑफ द गीता एट ऑल. क्यों? व्हाई? सारी सृष्टि का पहला पत्ता है. He is the first leaf of the entire world. वो गीता का भगवान क्यों नहीं हो सकता? Why can't he be God of the Gita? कि जब पहला पत्ता बनता है तो सदगति हो जाती. When he becomes the first leaf, he attains sadgati. पहले पत्ते की भी सदगति हो जाती.
द फर्स्ट लीफ ऑल्सो अटेन सदगति। तो जिनकी सदगति पहले से ही हुई पड़ी है उनकी सदगति करने का क्या मतलब? सो द वन हु हैज ऑलरेडी अटेन सदगति, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट हिज सदगति? जो पहला पत्ता बनता है सतयुग में सदगति प्राप्त करने वाला, वो किससे सदगति प्राप्त करता है? द वन हु बिकम्स द फर्स्ट लीफ इन द गोल्डन एज, हु अटेन्स सदगति, फ्रॉम हुम डज ही अटेन इट? उसकी सदगति बनाने वाला कौन? हु इज द वन टू ब्रिंग अबाउट हिज सदगति? प्रैक्टिकल रचयिता कौन? हु इज हिज क्रिएटर इन प्रैक्टिस? दुनिया में तो कहते हैं माँ बाप बच्चों के भाग्य विधाता होती है। इन फैक्ट इट इज सेड इन द वर्ल्ड पेरेंट्स आर द क्रिएटर्स ऑफ देयर चिल्ड्रंस फॉर्च्यून। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? वेर इज इट्स फाउंडेशन लेड? संगम युग में ही फाउंडेशन पड़ता है। स्टूडेंट इन द कॉन्फ्लुएंस एज इट्स फाउंडेशन इज लेड इन द कॉन्फ्लुएंस एज इटसेल्फ। कृष्ण जो सृष्टि का पहला पत्ता है उसका भी भागी विधाता प्रैक्टिकल में उसका बाप बनता है। कृष्णा हु इज द फर्स्ट लीफ ऑफ द वर्ल्ड हिज फादर हिमसेल्फ बिकम्स द क्रिएटर ऑफ हिज फॉर्च्यून इन प्रैक्टिस। और माता सहयोगी बनती है। एंड हिज मदर बिकम्स द हेल्पर। माना जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाले पुरुषार्थ करने वाली श्रेष्ठ आत्मा है, वो राधा कृष्ण जैसे फर्स्ट है पत्ते को जन्म देने वाली बनती। इट मीन्स द कॉन्फ्लुएंस इज लक्ष्मी नारायण हु आर द एलिवेटेड सोल्स हु मेक पुरुषार्थ टू बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन एंड लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन डायरेक्टली, दे बिकम द वंस हु गिव बर्थ टू द फर्स्ट लीव्स लाइक राधा कृष्ण। तो वो रचना हुई और वो रचयिता हुई। सो दे दैट इज राधा कृष्ण आर द क्रिएशंस एंड दे That is Lakshmi Narayan at the creators. तो कृष्ण गीता का भगवान नहीं हो सकता। So Krishna can't be God of the Gita. Opinion भी इसी बात पर लिखवाते रहो। You should continue to make others write their opinion on this very topic. क्या? What? इस बात पर। On which topic? गीता का भगवान शिव परमात्मा है। शिव सुप्रीम सोल इज गॉड ऑफ द गीता। गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज नहीं हो सकता। कृष्ण एलियस दादा लेखराज कांट बी गॉड ऑफ द गीता। उस दुनिया के एक एक ब्राह्मण को पकड़ो। गेट होल्ड ऑफ ईच एंड एवरी ब्राह्मण ऑफ दैट वर्ल्ड और ये ओपिनियन लिखवाओ एंड मेक देम राइट देयर ओपिनियन। परंतु ऐसी मेहनत तो कोई करते नहीं है। बट नो वन पुट्स सो मच एफर्ट्स इन टू इट। कैसी मेहनत? वॉट एफर्ट्स? कि ब्राह्मणों की दुनिया के एक एक ब्राह्मण को बैठ के समझाएं कि गीता का भगवान प्रैक्टिकल साकार रूप में कौन है। You should sit and explain to each and every Brahmin of the Brahmin world that who God of the Gita in practice, in the corporeal form is. Shiv Paramatma ya Krishna Bachcha? Is he Shiv Supreme Soul or the child Krishna? Student, it is Shiv Supreme Soul. Krishna Bachcha, to Bachcha Buddhi batai diya? In fact, Child Krishna was said to be the one with the childlike intellect. बच्चा कैसे गीता का भगवान होगा? How can a child be God of the Gita? गीता पति भगवान जो पति का टाइटल मिलता है वो बड़े को मिलता है या छोटे बच्चे को मिलता है? The husband God of the Gita. Does someone elder receive the title of husband or does a small child receive it? बड़े को ही मिलता है। It is someone elder who receives it. ये वेद की बात है। It is an unlimited concept. बच्चा किसे कहते हैं? Who is called a child? जो कुछ नहीं समझता है
बेसमझ होता है उसे बच्चा कहते हैं। द वन हु डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, हु इज इग्नोरेंट, इज कॉल्ड अ चाइल्ड। और बूढ़ा किसे कहते? बेहद की भाषा में। एंड हु इज सेड टू बी ओल्ड इन द अनलिमिटेड लैंग्वेज? स्टूडेंट, द एक्सपीरियंस्ड वन। जो अनुभवी हो उसको बूढ़ा कहते। द वन हु इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ओल्ड। बोला बाबा कहते हैं मैं जो सुनाता रहता हूँ वो ही लिखवाते रहते हैं। वो सेड, बाबा सेज, वॉट एवर आई कीप नरेटिंग यू कंटिन्यू टू मेक अदर्स राइट द सेम थिंग। ये नहीं लिखवाते कि गीता का भगवान कौन। यू डोंट मेक देम राइट हु गॉड ऑफ द गीता इज। और कुछ भी बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते। इन एडिशन चिल्ड्रन डोंट चर्न द ओशन ऑफ थॉट्स एट ऑल। मुख्य बात कौन सी है जिस पर विचार सागर मंथन करना है और दूसरों से ओपिनियन लिखवानी है? विच इज द मेन पॉइंट ऑन विच यू हैव टू चर्न द ओशन ऑफ थॉट्स एंड मेक अदर्स राइट देयर ओपिनियन। तो आप बच्चों को समझाते रहते हैं बाबा। सो नाउ बाबा कीप्स एक्सप्लेनिंग टू द चिल्ड्रन। ये डायरेक्शन बच्चों के पास जाते हैं। दिस डायरेक्शन गोज टू द चिल्ड्रन। मैगजीन जो छपाते हैं ये मैगजीन तो कॉमन है। दे हैव द मैगजीन प्रिंटेड दैट इज सर्टनली कॉमन। दुनिया में ढेर मैगजीन छपती रहती है। देर आर मेनी मैगजीन प्रिंटेड इन द वर्ल्ड। ये दुनिया वाले तो मैगजीन छपा कर जैसे हम बंदरों की कॉपी करते हैं। इट इज एज इफ दीज वर्ल्डली पीपल कॉपी अस द मंकीज बाय प्रिंटिंग मैगजीन्स। माने हम भी बंदर और दुनिया वाले भी बंदर। इट मीन्स वी एज वेल एज द वर्ल्डली पीपल आर मंकीज। असली बात की खोज करें और खोज करके दुनिया के सामने असली बात रखें क्या कि गीता का भगवान कौन है? यू शुड रिसर्च द रियल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट दैट हु गॉड ऑफ द गीता इज। वातावरण आदि दुनिया से बिल्कुल न्यारा होना चाहिए। योर एटमोस्फियर एंड सो ऑन शुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये बात भी साबित कब कर सकेंगे? When will you be able to prove this concept as well? जब ब्राह्मणों का वातावरण दुनिया भी वातावरण से बिल्कुल न्यारा हो। When the atmosphere of the Brahmins is completely different from the atmosphere of the world. ऐसे तो मैगजीन सब छपाते रहते। As such, everyone keeps printing magazines. हमारी तो है मुख्य गीता। Certainly, our main book is the Gita. बाप तो दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स देते रहते हैं। डे बाय डे द फादर सर्टेनली कंटिन्यूज टू गिव न्यू पॉइंट्स। वो गीता तो फिनिश की हुई है। दैट गीता हैज बीन फिनिश्ड। जितने श्लोक हैं उतने ही श्लोक सैकड़ों साल से बने हुए हैं। एज मेनी श्लोक्स आर देयर इन द गीता दे आर कंटिन्यूइंग लाइक दैट फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। कमती और जास्ती नहीं होते। दे नीदर डिक्रीज नॉर इंक्रीज। और हमारी गीता तो कभी फिनिश नहीं होती। वेयर एज आर गीता नेवर फिनिशेस। हमारी गीता नए नए पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं। न्यू पॉइंट्स कंटिन्यू टू बी एडेड टू अवर गीता। नई नई बातें निकलती रहती हैं। न्यू कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यू टू इमर्ज। तो क्या करना चाहिए? सो व्हाट शुड यू डू? तुम बच्चों को सच्ची गीता बनानी चाहिए। यू चिल्ड्रन शुड मेक द ट्रू गीता। फिर उसमें फर्स्ट पार्ट सच्ची गीता, पहला दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ऐसे करके वॉल्यूम ऐड करते जाना चाहिए। देन You should make a first volume of it, the True Gita Volume 1, Volume 2,
वॉल्यूम 3। यू शुड कंटिन्यू टू एड वॉल्यूम्स लाइक दैट। शुरुआत की या नहीं की? हैव यू स्टार्टेड प्रिंटिंग देम और नॉट? हैं? की? क्या? स्टूडेंट वी डिड। डिड यू? व्हाट? बेसिक में भी शुरुआत तो हुई थी। इट स्टार्टेड इन द बेसिक नॉलेज एज वेल। क्या शुरुआत हुई थी? व्हाट स्टार्टेड? एक किताब छपी थी सच्ची गीता। अ बुक नेम्ड सच्ची गीता दैट इज द ट्रू गीता वॉज प्रिंटेड। पहले सिंधी में छपी थी। फर्स्ट इट वॉज प्रिंटेड इन सिंधी। बाद में हिंदी में उसकी कापियाँ निकाली गई। लेटर ऑन इट्स कॉपीज वर प्रिंटेड इन हिंदी। लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उस किताब को बैंड कर दिया। बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड दैट बुक। क्योंकि समझानी उसमें नहीं थी। इट इज बिकॉज देर वॉजंट एनी एक्सप्लेनेशन इन इट। अब तुम्हारी जो गीता निकले उसमें समझानी होगी। नाउ योर गीता दैट इज टू कम अप देर विल बी एक्सप्लेनेशन इन इट। तुम खुद भी इसके पास एक एक बात की गहराई को समझने वाले बनेंगे और दूसरों को भी समझा देंगे। यू योरसेल्फ विल बिकम द वंस हु अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड यू विल एक्सप्लेन इट टू अदर्स एज वेल। तो फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, फोर्थ वॉल्यूम, जैसे जैसे नए नए पॉइंट्स निकलते जाएं, वो गीता का कलेवर बढ़ता जाना चाहिए। सो द फर्स्ट वॉल्यूम, द सेकेंड वॉल्यूम, द थर्ड वॉल्यूम, द फोर्थ वॉल्यूम, एज द न्यू पॉइंट्स कम अप द नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द गीता शुड इंक्रीज। ये गीता तुम कोई भी अखबार में डाल सकते हो। यू कैन पुट दिस गीता इन एनी न्यूज पेपर। जो मनुष्य समझे कि ये गीता तो एक ही बार बाप सुनाते हैं। So that people understand that the father narrates this Gita only once. 6 मार्च 1967 की वाणी का दूसरा पेज। It is the second page of the Vani of the 6th March 1967. जो बाप आकर के सुनाते हैं उस गीता से पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। The Gita that the father narrates after coming It turns the old world into ashes. क्या? What? सब आत्माएं इस पुरानी दुनिया को, दुखदाई दुनिया को छोड़ करके मुक्ति धाम वापस चली जाती है। All the souls leave this old world, the sorrow giving world, and go back to the abode of liberation. और फिर लौट करके इस पुरानी दुनिया में नहीं आती। And then they don't return to this old world. उन्होंने तो गीता में लिख दिया है। दे हैव सर्टनली रिटन इन द गीता यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। जहाँ जाकर के आत्माएं वापस नहीं लौटती वो मेरा परम धाम है। इट मीन्स द अबोड आफ्टर रीचिंग वेयर द सोल्स डोंट रिटर्न दैट इज माई सुप्रीम अबोड। अरे कहाँ वापस नहीं लौटती? अरे वेयर डोंट दे रिटर्न? स्वर्ग में वापस नहीं लौटती या नरक में वापस नहीं लौटती वो कुछ पता ही नहीं। इज इट हेवन और हेल वेयर दे डोंट रिटर्न? स्टूडेंट्स हेल दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट एट ऑल। तुम तो एक एक बात को समझा सकते हो। यू कैन सर्टनली एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ये दुखदाई पुरानी दुनिया कांटों का जंगल आग लगने वाली है। द सोरो गिविंग ओल्ड वर्ल्ड द फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स इज गोइंग टू कैच फायर। ये एटमिक एनर्जी में सब स्वाहा हो जाएंगे। एवरीवन विल बी डिस्ट्रॉयड थ्रू दिस एटमिक एनर्जी। गीता महाभारत से निकली कहते। इट इज सेड द गीता इमर्ज्ड फ्रॉम द महाभारत। तो महाभारत में बताया है कि यादवों के पेट से मूसल निकले। सो इट हैज बीन सेड इन द महाभारत दैट द पेसल्स दैट इज
मिसाइल्स केम आउट फ्रॉम द स्टमक ऑफ द यादवास। उन्होंने समझ लिया कोई लोहे के मूसल स्थूल पेट में से निकले होंगे। दे थॉट दैट सम आयरन पेसल्स वुड हैव कम आउट फ्रॉम द फिजिकल स्टमक। अरे स्थूल पेट में से कहीं लोहे के मूसल पैदा होते हैं क्या? अरे डू आयरन पेसल्स कम आउट ऑफ द फिजिकल स्टमक? ये तो कवियों की प्रतीकात्मक अलंकारिक कविता है। इन फैक्ट इट इज द सिंबॉलिक एंड मेटाफरिक पोयम ऑफ द पोएट्स। उसका सही अर्थ समझना चाहिए, समझाना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन इट्स करेक्ट मीनिंग। ये पेट हद का पेट नहीं है। इट इजंट अबाउट द फिजिकल स्टमक। मनुष्य के शरीर में जो हद का पेट है वो हद का भोजन खाता है। द लिमिटेड स्टमक इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स इंटेक्स द लिमिटेड फूड। और बेहद का जो बुद्धरूपी पेट है वो बेहद के संकल्पों का भोजन खाता है। एंड द अनलिमिटेड स्टमक लाइक इंटेलेक्ट ईट्स द अनलिमिटेड फूड ऑफ थॉट्स। तो बेहद के बुद्धरूपी पेट में से मिसाइल से तैयार हुए थे यादवों के पेट से। सो द मिसाइल्स वर प्रिपेयर्ड थ्रू द अनलिमिटेड स्टमक लाइक इंटेलेक्ट थ्रू द स्टमक ऑफ द यादवास। कहते हैं कि यादव लोग बड़े धनाढ्य थे। इट इज सेड दैट द यादवास वर वेरी रिच। बड़ी बड़ी महलमालियों अटारियों वाले थे। They had very big palaces and multi-storied buildings. और खूब मांस गोश्त और शराब पीने वाले थे। And they used to eat a lot of meat, flesh and drink a lot of alcohol. ये सब कहाँ से आया भारत में? From where did all these things come in Bharat? बड़ी बड़ी ऊंची अटारियां ये भारतवर्ष में किसको देख करके बनना शुरू हुई? Seeing whom did they start building very big and multi-storied buildings in Bharat? विदेशियों को देख करके बनना शुरू हुई। They started building them, copying the foreigners. ये शराब भी कहाँ से आई? From where did even this alcohol come? यहाँ सतयुग त्रेता में देवताएं कोई शराब पीते थे क्या? Did the deities used to drink alcohol here in the golden and the silver age? ये भी विदेशी आती। This also comes from the foreign lands. मेलमानी अटारियां भी विदेशी आईं। The palaces and multi-storied buildings also came from the foreign land. और बड़े-बड़े धन संपत्तिवान, इतने बड़े-बड़े धन संपत्तिवान हैं कि मल्टीमिलियनर्स गए हुए। And there are very wealthy people. They are so wealthy that they are famous as multimillionaires. भारत का तो तपस्वी जीवन गाया हुआ है। In fact, the Bharatvasis are said to have an ascetic lifestyle. ऐसे यादवों के बुद्धरूपी पेट से निकले हुए ये मिसाइल्स सारी दुनिया को भस्म कर देती है। These missiles that have come out from the stomach-like intellect of such Yadavs turn the entire world into ashes. लेकिन उनको प्रेरणा कौन देता है बनाने की और फोड़ने की? However, who gives them inspiration to prepare and explode them? क्या ये यादव 70 साल पहले नहीं थे दुनिया में? Weren't these Yadavs present before 70 years in the world? रूस और अमेरिका रूपी जो किसियन से यादव हैं, वो पहले नहीं थे क्या? Weren't the Christians who are Yadavs in the form of Russians and Americans present earlier? थे ना? They were, weren't they? 2,500 वर्ष पहले भी तो थे। They were certainly present 2000 to 2500 years ago. तो पहले उन्होंने ये क्यों नहीं बना लिए? So, why didn't they prepare them earlier? Atomic energy क्यों नहीं बना ली? Why didn't they invent the atomic energy? क्योंकि प्रेरणा नहीं मिली। It is because
didn't receive any inspiration. उनको प्रेरणा देने वाला जो बाप वो इस सृष्टि पर नहीं आया हुआ था. The father who gives them inspiration hadn't come to this world. उनका मुखिया नहीं आया हुआ था. Their head hadn't come. यादवों का मुखिया कौन है? Who is the head of the Yadavas? शंकर. Students, Shankar. Shankar. महाभारत में दिखाते हैं यादवों का मुखिया कृष्ण. It is shown in the Mahabharat that Krishna is the head of the Yadavas. वास्तव में जो संगमयुगी कृष्ण का पार्ट है वही वही शंकर का भी पार्ट धारी. Actually, the one who plays the part of the confluence is Krishna. Himself is Shankar. तो वो उनका मुखिया है जो उनसे एटमिक एनर्जी तैयार भी कराता है और विस्फोट भी कराता है. सो ही इज देयर हेड हु हैज देम इन्वेंट एज वेल एज एक्सप्लोर द एटमिक एनर्जी. नहीं तो उन आत्माओं में इतनी ताकत नहीं है. अदरवाइज दोस सोल्स डोंट हैव सो मच पावर कि वो बना सके ऐसे हिंसक ऐसे ध्वंसकारी शस्त्र और उनका विस्फोट कर सके. So that they can prepare such violent, destructive weapons and explore them. ये गीता ज्ञान ही है. इस गीता ज्ञान को जो बाप की पहचान करके अपने जीवन में उतारते हैं धारण करते हैं वो स्थापना के निमित्त बनते हैं. It is the very knowledge of the Gita. Those who assimilate it in their life after recognizing the Father, they become the instruments for establishment. और परमात्मा बाप के स्वरूप को नहीं पहचानते, भगवान को भगवान के रूप में नहीं जान सकते, सामान्य मनुष्य के रूप में जानते हैं. वो गीता ज्ञान लेकर के ध्वंसकारी बन जाते हैं. And those who don't recognize the form of the Supreme Soul Father, those who can't recognize God in the form of God, those who consider Him as an ordinary human being, they become destructive after receiving the knowledge of the Gita. है एक ही गीता. It is certainly the same Gita. गीता स्थापना का कार्य भी करती है और गीता विनाश का कार्य भी कराती है. The Gita has the task of establishment. As well as the task of destruction done. वो मनुष्यों की लिखी हुई गीता तो मनुष्य पढ़ते चले आ रहे हैं हजारों वर्षों से. The people have been reading the Gita written by the human beings for thousands of years. न नई दुनिया की स्थापना होती है न पुरानी दुनिया का विनाश होता है. The new world isn't established and the old world isn't destroyed through it either. ये पुरानी दुनिया वहाँ होती ही नहीं पुरानी गीता पढ़ने से. दिस ओल्ड वर्ल्ड इज़न्ट डिस्ट्रॉयड एट ऑल बाय रीडिंग द ओल्ड गीता. तो ये नए नए पॉइंट्स धारण करने के हैं. सो यू हैव टू असिमिलेट ऑल दीज न्यू पॉइंट्स. अगर गीता का नाम अखबार में डालो तो बहुत मनुष्य निकलेंगे जो गीता का ज्ञान लेंगे. इफ यू पुट द नेम ऑफ द गीता इन न्यूज़पेपर्स Many people will come to take the knowledge of the Gita. क्या इशारा दिया? What indication did he give? जो आज में? Whatever happened in the beginning. क्या आदि में? Students, the same thing will happen in the end. What happened in the beginning? आदि में भी पुरानी गीता पढ़कर के सुनाते थे. He used to read out the old Gita in the beginning as well. Purani Gita ke artha batate the. He used to narrate the meaning of the old Gita. Aur ant mein bhi Gita niklegi. And the Gita will emerge in the end as well. Aur Gita ke aise aise points niklenge. जो संसार के लोगों को चमत्कृत कर देंगे. एंड सच पॉइंट्स ऑफ द गीता विल इमर्ज विच विल एस्टोनिश द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. वो मनुष्य गुरु
108 प्रकार की गीताओं के अर्थ करके संसार के सामने रख सकते हैं। तो क्या ऐसे बच्चे नहीं बन सकते जो उसी गीता के 108 से भी ऊपर वाला अर्थ, जो भगवान का बताया हुआ अर्थ है, उस रूप से गीता को तैयार कर दे। When those human gurus can interpret the meaning of the Gita in 108 different ways and present it in front of the world, can't the children become such that they prepare the same Gita in such a way which contains the interpretation of the higher meaning which is narrated by God when compared to the 108 interpretations of the Gita? ऐसी गीता अखबार में डालो तो बहुत मनुष्य वो ज्ञान लेंगे। You should put such Gita in newspapers. Then many people will take the knowledge. और लिखत भी ऐसी हो जो किसी को भी ज्ञान का तीर लग जावे। In addition, the inscriptions should be such that anyone is shot by the arrow of knowledge. इसका मतलब जो भी 108 गीताएं अभी मनुष्यों की लिखी हुई बनी हैं, मोटे मोटे वॉल्यूम बन गए हैं। It means all the 108 Gita which have been written by the human beings, very thick volumes have been made. गीता तो छोटी सी ही है। In fact, the Gita is small. उनमें सच्चा अर्थ किसी ने नहीं बताया। No one has mentioned the correct meaning in them. वो तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र। All of them are certainly the scriptures of the path of bhakti. भक्ति रावण से आती है। भक्ति कम्स फ्रॉम रावण। रावण माने अनेक मत वाला, अनेक सिरों वाला। रावण मीन्स द वन विद मेनी ओपिनियंस, मेनी हेड्स। ये तो ज्ञान मार्ग है। दिस इज सर्टनली द पाथ ऑफ नॉलेज। ज्ञान सिर्फ एक बाप से आता है। नॉलेज कम्स फ्रॉम द वन फादर। ज्ञान माने सच्ची जानकारी। नॉलेज मीन्स द ट्रू इन्फॉर्मेशन। तो अब तुम्हारी मैगजीन के बदले वास्तव में गीता निकालनी चाहिए। सो नाउ यू शुड प्रिंट द एक्चुअल गीता इंस्टेड ऑफ योर मैगजीन। क्या कहा? What was said? फिर उनमें ताकत नहीं रहेगी कि तुम्हारी सच्ची गीता को बेंड कर सके। देन They won't have the power to bend your true Gita. तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया में जो गीता, सच्ची गीता छपाई गई, वो गवर्नमेंट ने, वो भी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट ने बेंड कैसे कर दी? The Gita, the true Gita which was printed in the world of the so-called Brahmins, how did the government, that to the corrupt government, ban it? वो ताकत कहाँ से आई? From where did they get that power? तुम जब सच्ची गीता छपावेंगे तो कोई गवर्नमेंट में ये ताकत नहीं है कि तुम्हारी गीता को कोई बेंड कर सके। When you print the true Gita, no government has the power to ban your Gita. अक्षर ऐसे क्लियर हो जो कोई सुनते ही फौरन गीता मंगवा लेगी। The letters should be so clear that anyone should order the Gita just by hearing them. सच्ची गीता सुनने से भारतवासी हेवन में जा रहे हैं। The Bharatwasis are going to heaven by listening to the true Gita. और झूठी गीता सुनने से भारतवासी हेल में जा रहे हैं। And they are going to hell by listening to the false Gita. ऐसे ऐसे चीजे 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 अक्षर लिखो। यू शुड राइट सच शार्प वर्ड्स। सच्ची और झूठी गीता दोनों में रात दिन का फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस लाइक बिटवीन डे एंड नाइट बिटवीन द ट्रू गीता एंड द फॉल्स गीता। झूठी गीता हजारों साल से सुनते चले आए। यू हैव बीन लिसनिंग टू द फॉल्स गीता फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। दुनिया का कल्याण तो हुआ नहीं और ही अकल्याण होता जाता है।
द वर्ल्ड सर्टनली वॉजंट बेनिफिटेड थ्रू इट बट इट इज हार्म्ड ऑल द मोर। और ये सच्ची गीता एक जन्म में ही सारे संसार का कल्याण कर देती है। एंड दिस ट्रू गीता बेनिफिट्स द एंटायर वर्ल्ड जस्ट इन वन बर्थ। ये जो तुम्हारी मैगजीन छपती है इसमें तो कुछ भी नहीं है। योर मैगजीन दैट इज प्रिंटेड देयर इज नथिंग इन इट। कौन सी मैगजीन? विच मैगजीन स्टूडेंट? ज्ञानामृत। ज्ञानामृत भी बाद में छपा है, पहले छपती थी त्रिमूर्ति। इवन द ज्ञानामृत वॉज प्रिंटेड लेटर ऑन, अर्लियर द त्रिमूर्ति यूज टू बी प्रिंटेड। क्या? वॉट? वो त्रिमूर्ति में क्लैरिफिकेशन नहीं था सच्चाई का। देर वॉज नो क्लैरिफिकेशन ऑफ द ट्रूथ इन दैट त्रिमूर्ति। और अभी जो ज्ञानामृत छप रही है उसमें भी सच्चाई का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। इन एडिशन द ज्ञानामृत दैट इज बीइंग प्रिंटेड नाउ देर इज नो क्लैरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ इन इट ईदर। इसलिए बोला ओ मैगजीन में तो कुछ भी नहीं है। दिस इज व्हाई इट वॉज सेड देर इज नथिंग इन दैट मैगजीन। हमारा बाबा तो सच्ची गीता ही सुनाते। आर बाबा सर्टनली नरेट्स द ट्रू गीता इटसेल्फ। क्या? वॉट? उन त्रिमूर्ति मैगजीन छपाने वालों को, ज्ञानामृत मैगजीन छपाने वालों को बोलो क्या? दोज हू प्रिंट द त्रिमूर्ति मैगजीन द ज्ञानामृत मैगजीन टेल देम। वॉट? तुम्हारी उस मैगजीन में तो कुछ भी नहीं है। देर इज नथिंग इन योर मैगजीन। और हमारा बाबा तो सच्ची गीता सुनाते हैं। एंड आर बाबा नरेट्स द ट्रू गीता। संजय ने भी गीता ही लिखी है। संजय हैज ऑल्सो रिटर्न द गीता इटसेल्फ। कौन संजय? हु इज संजय? है जगदीश भाई का नाम बाबा ने रखा संजय। बाबा नेम जगदीश भाई संजय। उसकी 500 प्रतियां निकली थी। इट्स दैट इज हिज गीताज 500 कॉपीज वर प्रिंटेड। संजय ने गीता लिखी है ना कि मैगजीन? हैज संजय रिटन द गीता और अ मैगजीन? है? नहीं। स्टूडेंट रिप्लाइज नो। पहले सच्ची गीता लिखी थी हिंदी में ट्रांसलेट करके। फर्स्टली ही ट्रांसलेटेड एंड रोट द ट्रू गीता इन हिंदी। उसकी 500 कॉपियां निकली थी। इट्स 500 कॉपीज वर प्रिंटेड। बाद में गवर्नमेंट ने वो बैंड करवा दिया। लेटर ऑन द गवर्नमेंट बैंड इट। लेकिन इसको ज्ञानामृत नहीं कह सकते। हाउएवर इट कांट बी कॉल्ड ज्ञानामृत दैट इज द नेक्टर ऑफ नॉलेज। जो मैगजीन छपाते हैं ज्ञानामृत है, वो तो नाम डाल दिया ज्ञानामृत। दोज हू हैव द ज्ञानामृत मैगजीन प्रिंटेड दे हैव जस्ट नेम्ड इट ज्ञानामृत। लेकिन वास्तव में इसको ज्ञानामृत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बट एक्चुअली इट कांट बी कॉल्ड ज्ञानामृत। व्हाई कांट इट बी कॉल्ड दैट? है? क्योंकि ज्ञानामृत मैगजीन जो तथाकथित ब्राह्मणों ने छपाई है उसमें मनन चिंतन मंथन कुछ भी नहीं है ज्ञान का। इट इज बिकॉज द ज्ञानामृत मैगजीन दैट द सो कॉल्ड ब्राह्मिन्स हैव प्रिंटेड देयर इजंट एनी थिंकिंग एंड चर्निंग ऑफ द नॉलेज इन इट। ज्ञान सागर ने जो भी ज्ञान सुनाया उसको मनन चिंतन मंथन करके नहीं छापा गया। वॉट एवर नॉलेज द ओशन ऑफ नॉलेज हैज नरेटेड इट वॉजंट प्रिंटेड आफ्टर थिंकिंग एंड चर्निंग अपॉन दैट नॉलेज। इसलिए उसको ज्ञानामृत नहीं कह सकते। दिस इज वाई इट कांट बी कॉल्ड ज्ञानामृत। ये तो झूठा नाम डाल दिया। दे हैव सर्टनली गिवन इट अ फॉल्स नेम। और गीता को ज्ञानामृत कहना भी रंग है। एंड इट इज ऑल्सो रॉन्ग टू कॉल द गीता द नेक्टर ऑफ नॉलेज। किसी गीता को? विच गीता? है
चाहे वो संस्कृत गीता हो और चाहे तथाकथित ब्राह्मणों के जो रोज मुरली पत्तों की पढ़ते हैं, उसको भी गीता ज्ञान अमृत नहीं कह सकते। क्यों? Whether it is the Sanskrit Gita or the paper murli that the so-called Brahmins read daily can't be called the nectar of the knowledge of the Gita either. Why? क्योंकि अमृत तो मंथन करके निकाला जाता है। It is because nectar is extracted after churning it. तो ज्ञान अमृत कहना रांग है। So it is wrong to call it the nectar of knowledge. भले बाबा ने ये बात इतने दिन नहीं कही, क्या? दो बाबा didn't say this topic for so many days. What? कोई कहे बाबा ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? Someone may ask, why didn't Baba tell us this point before? भले बाबा ने ये बातें इतने दिन नहीं कही, दिन प्रतिदिन नई नई बातें सुनाते हैं ना? Though Baba didn't tell us these points for so many days, he narrates new points every day, doesn't he? ऐसे बद्धि में नहीं आना चाहिए। It shouldn't come to your intellect. कि बाबा ने आगे ऐसी बात क्यों नहीं बताई? Why didn't Baba tell us this point before? अरे ड्रामा में नहीं था इसलिए नहीं बताई। अरे it wasn't in the drama, so he didn't tell us. अभी ड्रामा में ये बात है इसलिए बता रही। Now it is in the drama, so he is telling us. अब बात कहते हैं, ये मैगजीन तो कोई काम की नहीं है। Now the father says, this magazine is of no use. कौन सी? Which one? जो भी त्रिमूर्ति ज्ञानमृत आदि मैगजीन छपाई गई या प्योरिटी मैगजीन छपाई जा रही है वो कोई काम की नहीं। All the magazines like Trimurti, Gyanamrit which were printed or the Purity magazine that is being printed now are of no use. ऐसे मैगजीन ऐसी किताबें तो दुनिया में बहुत छपती रहती है। In fact, such magazines, such books are printed a lot in the world. Student, Baba, they just print the news of service and the photos of their service in them. हाँ, अपने अपने फोटो छपा छपा के लगाए देते हैं। Yes, they shoot their photos and print them. जैसे आजकल के अखबार हो। For example, the current newspapers. अखबारों में भी क्या करते हैं आज? What do they do even in the newspapers today? है, रंगीन प्रिंटर निकल पड़े हैं, तो सब नेता अपने अपने फोटो छपाते रहते हैं। Student, they print photos. Yes, the color printers have been invented, so all the political leaders keep printing their photos. Student, the didis dadis do the write-up. ऐसी मैगजीन दुनिया में बहुत छपती हैं। Such magazines are printed a lot in the world. कोई का दाम जास्ती होता है और कोई का दाम बहुत कम होता है। Some are costly and some are very cheap. तुमको तो बड़े दाम वाली यह बड़ी गीता बनानी चाहिए। You should make a big Gita, which is very costly. क्या? बड़े दाम वाली बड़ी गीता बनानी चाहिए। What? You should make a big Gita, which is costly. गीता पर ही ध्यान जाना चाहिए। Your attention should be drawn towards the Gita itself. क्या? What? सारा ध्यान किस पर जाना चाहिए? All your attention should be drawn towards what? गीता पर ही सारा ध्यान जाना चाहिए। All your attention should be drawn towards the Gita itself. बाकी फलाने ने ये पूछा, फलाने ने ये कहा, ये किया, ये सर्विस समाचार से तो कुछ होने वाला नहीं है। As for the rest, someone asked this,
ही सेड दिस ही डिड दिस नथिंग इज गोइंग टू हैपन थ्रू दिस न्यूज ऑफ सर्विस। ज्ञानामृत में क्या छपाते हैं? व्हाट डू दे प्रिंट इन ज्ञानामृत? जो इनकी सर्विस करने जाते हैं वो लोग जो कुछ भाषण देते हैं वो छाप देते हैं। दे प्रिंट द स्पीच ऑफ दोज हु गो टू डू सर्विस। जो पूछते हैं वो छाप देते हैं। दे प्रिंट द क्वेश्चंस ऑफ द लिसनर्स। बाप कहते हैं ऐसी सर्विस समाचार छपाने से ज्ञान अमृत मैगजीन का कोई मूल्य नहीं रहता है। द फादर सेज देयर इज नो वैल्यू ऑफ द ज्ञान अमृत मैगजीन बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग सच न्यूज ऑफ सर्विस। तो तुम बच्चों को गीता ही बनानी पड़े। सो यू चिल्ड्रन हैव टू प्रिपेयर द गीता इटसेल्फ। क्या? व्हाट? ये कंपल्शन है। दिस इज अ कंपल्शन। किस बात का? फॉर व्हाट? कि गीता बनानी पड़े। यू हैव टू प्रिपेयर द गीता। दिन प्रतिदिन नई पॉइंट्स बाप सुनाते रहते हैं। डे बाय डे द फादर कीप्स नरेटिंग द न्यू पॉइंट्स। तो गीता में अलग अलग वॉल्यूम्स में वो सारे पॉइंट्स आने चाहिए। सो ऑल दोज पॉइंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ द गीता। तो बाबा की मुरली से पॉइंट्स निकाल करके वो पॉइंट्स इकट्ठी करनी चाहिए। यू शुड सिलेक्ट दोज पॉइंट्स फ्रॉम बाबाज मुरली एंड कलेक्ट देम। फिर कुछ पुरानी पॉइंट्स और कुछ नई पॉइंट्स दोनों को मिला करके फिर गीता बनानी चाहिए। देन यू शुड मेक द गीता बाय कंबाइनिंग सम ओल्ड पॉइंट्स एंड सम न्यू पॉइंट्स। तुम बच्चों को सच्ची गीता ही निकालनी चाहिए। यू चिल्ड्रन शुड टेक आउट द ट्रू गीता इटसेल्फ। उसमें भले लिखा हुआ हो इट मे बी रिटन इन दैट कि झूठी गीता कृष्ण की पढ़ने से भारत हेल में चला गया। भारत वेंट टुवर्ड्स हेल बिकॉज ऑफ रीडिंग द फॉल्स गीता ऑफ कृष्णा। और सच्ची गीता शिव भगवान के सुनाने से भारत स्वर्ग में जा रहा है। एंड भारत इज गोइंग टुवर्ड्स हेवन बिकॉज गॉड शिव इज नरेटिंग द ट्रू गीता। अभी जा रहा है। Now it is going. कहाँ जा रहा है? Where is it going? स्वर्ग में जा रहा है। Student, towards heaven. It is going towards heaven. तो ये आवाज फिर बहुतों के कान में जाएगा कि कौन है वो जो सच्ची गीता सुनते हैं? कौन है वो जो सच्ची गीता सुनाता है? और कौन है जो हेवन में जा रहे हैं? Then this voice will reach the ears of many that who listen to the true Gita, who narrates it and who are going to heaven. Heaven mein kya hota hai? What is there in heaven? Hai? Sukh shanti hoti hai. There is happiness and peace. Pehle man ki sukh shanti hogi ya pehle tan ki sukh shanti hogi? Will there be happiness and peace of mind first or the physical happiness and peace first? स्टूडेंट ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट। जो भी हेवन का संगठन बनेगा नई दुनिया का संगठन बनेगा उसमें पहले मन की शांति का फाउंडेशन पड़ेगा। द गैदरिंग ऑफ हेवन दैट इज फॉर्म्ड द गैदरिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड दैट इज क्रिएटेड फर्स्ट द फाउंडेशन ऑफ पीस ऑफ माइंड विल बी लेड इन इट। बाद में फिर यानी प्रैक्टिकल शांति का भी फाउंडेशन पड़ना है। लेटर ऑन द फाउंडेशन ऑफ द फिजिकल पीस इन प्रैक्टिस ऑल्सो हैज टू बी लेड। तो लाइब्रेरी में भी ये सच्ची गीता मुफ्त में पढ़ने के लिए रख सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो कीप दिस ट्रू गीता इन अ लाइब्रेरी टू बी रेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गवर्नमेंट वो जो होती है वो भी तो किताबें मुफ्त में रखती है ना? कहाँ? द गवर्नमेंट ऑल्सो कीप्स द बुक्स टू बी रेड फ्री ऑफ कॉस्ट डजंट इट? वेयर? लाइब्रेरीज में। इन लाइब्रेरीज। परंतु उन सभी किताबों आदि में तो किचड़ा भरा पड़ा है। हावेवर ऑल दोज बुक्स आर फुल ऑफ वेस्ट। तुम्हारी जो सच्ची गीता है
कीचड़े में डुबोने के लिए नहीं है। योर ट्रू गीता इजंट मेंट टू मेक पीपल ड्राउन इन मायर। वो किताबें जो होती हैं लाइब्रेरीज में उसमें तो कीचड़े में डूब जाते हैं। दे सर्टनली ड्राउन इन मायर बाय रीडिंग दोज बुक्स इन लाइब्रेरीज। क्यों? व्हाई? क्योंकि उसमें बड़े बड़े उपन्यास रखे होते हैं। इट इज बिकॉज वेरी बिग नॉवेल्स आर केप्ट देयर। भक्ति मार्ग की ढेर सारी किताबें रखी हुई होती है। मेनी बुक्स ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति आर केप्ट देयर। वो उपन्यास और वो किताबें पढ़ते पढ़ते मनुष्य कीचड़े में डूब जाते हैं। पीपल ड्राउन इन मायर व्हाइल रीडिंग दोज नॉवेल्स एंड बुक्स। यह तो गोल्डन एज में ले जाएगी। दिस गीता विल लीड यू टू द गोल्डन एज। कौन? व्हाट? सच्ची गीता। द ट्रू गीता। इसलिए लिखते हैं कि राइज और फॉल। दिस इज व्हाई इट इज रिटन द राइज एंड फॉल। क्या? व्हाट? माउंट आबू में जाते हैं तो कहाँ देखने जाते हैं? When you go to Mount Abu, what do you visit? Sunset point. Student, the sunset point. The sunset point. तो वहाँ फॉल हुआ या राइज हुआ? So, is it fall or rise there? फॉल होने की यादगार। Student, fall. It is the yadgar of falling. हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और भारत का पतन। इट इज सेड इन हिंदी भारत का उत्थान और भारत का पतन। दैट इज द राइज एंड फॉल ऑफ भारत। एक कवि ने एक किताब लिखी है भारत दुर्दशा। अ पोएट हैज रिटन अ बुक नेम्ड भारत दुर्दशा। भारत की दुर्दशा दुर्गति। That is the misery, the downfall of Bharat. अब तुम कौन सी किताब छपाओ? Now, which book should you print? भारत की सदगति कैसे होती है? You should print the book containing how the sadgati of Bharat takes place. अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।